नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई 2020 और अगस्त 2020 में चर्चा में रहे प्रमुख व्यक्तियों के संदर्भ में, और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले दोस्तों, हम नाम जो बात करेंगे वो भानुभक्त आचार्य जी की बात करेंगे। देखिए, जो आप के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपने देखा होगा कि भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, तो उसके अंतर्गत इनका नाम पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि भानुभक्त आचार्य जी ने रामायण का संस्कृत से नेपाली में प्रथम अनुवाद किया था। चर्चा में इसलिए थे कि प्रत्येक वर्ष 13 जुलाई को संपूर्ण नेपाल में भानु जयंती मनाई जाती है, और इस बार 13 जुलाई 2020 को 206वीं जयंती मनाई गई है भानुभक्त आचार्य जी की। आगे हम बात करेंगे दोस्तों इंजेती श्रीनिवास। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि इनको IFSCA का प्रथम चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो इसलिए चर्चा में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IFSCA की स्थापना की। तो IFSCA की स्थापना वित्त मंत्रालय द्वारा 27 अप्रैल 2020 को की गई थी, और इसी IFSCA का जो प्रथम चेयरमैन नियुक्त किया गया वो इंजेती श्रीनिवास जी को किया गया है। अब IFSCA का अगर फुल फॉर्म की बात कर लें दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। 31 मई 2020 को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए इंजेती श्रीनिवास जी। और IFSCA के अगर मुख्यालय की बात करें तो गांधीनगर गुजरात में है, और गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, इससे संबंधित है। गिफ्ट सिटी का जो फुल फॉर्म है वो है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। भारत में जो प्रथम IFSCA है वो गांधीनगर है। अगले इम्पॉर्टेंट नाम की ओर हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं एंड्रेज डूडा पोलैंड के राष्ट्रपति, जिन्होंने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में सफलता अर्जित की है। तो इस तरीके से एक चर्चित नाम है एंड्रेज डूडा, आपके एग्जाम की इधर से भी इम्पॉर्टेंट है। अगले पॉइंट को दोस्तों बढ़ते हैं, तो अगला पॉइंट हमारा जो है वो 2020 ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान से संबंधित है। तो आपको बता दें दोस्तों कि जो 2020 ग्रेट इमिग्रेंट जो सम्मान है वह कार्नेगी कॉर्पोरेशन न्यूयॉर्क द्वारा प्रदत्त सम्मान है। और इस बार जो दो नाम हैं, जो प्रमुख दो नाम हैं 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से संबंधित, वह पहला नाम है डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। किस कारण से इनको 2020 ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान दिया गया? तो वह कारण है दोस्तों, महामारी के दौरान वैज्ञानिक संचारकर्ता की भांति कार्य करने हैं। इससे पहले डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को 2011 में पुलित्जर पुरस्कार और 2014 में पद्मश्री पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। 2011 में जो पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया वो इनकी पुस्तक द एम्पायर ऑफ ऑल मेडिसिन अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर के लिए प्रदान किया गया है। अगले नाम की अगर हम बात करते हैं, तो अगला नाम है प्रोफेसर राज चेट्टी। जिस कारण से प्रोफेसर राज चेट्टी को सम्मानित किया गया तो वो भी आप देख लीजिए। देखिए, जो प्रोफेसर राज चेट्टी जी हैं वह एक फेमस अर्थशास्त्री हैं, और जिस कारण से इनको सम्मान दिया गया वह कारण है कि पूरे अमेरिका में कारोबारी लोगों और समुदायों पर कोविड-19 महामारी के रियल टाइम आर्थिक प्रभावों की निगरानी हेतु जो इनके प्रयास किए गए प्रोफेसर राज चेट्टी के, इसके कारण इनको 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स का सम्मान प्रदान किया गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों राजीव कुमार, एक फेमस नाम है, जो कि पूर्व वित्त सचिव भारत सरकार है, और वर्तमान में इनको भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये अपना कार्यभार जो ग्रहण करेंगे सितंबर में करेंगे, और जो इन्होंने स्थान लिया वो अशोक लवासा जी का लिया है। अशोक लवासा अब एशियन विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के कार्यों से संबंधित है, और चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग जो है वो तीन सदस्यीय संस्था है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। अगला नाम है दोस्तों, हम बात करेंगे इंद्रमणि पांडे, और दूसरा नाम जो यहीं से जुड़ा हुआ है आपको जरूर देख लेना चाहिए, TS तिरुमूर्ति का। दोनों नाम के विषय में दोस्तों हम लोग जानकारी देखेंगे क्या है। इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र जिनेवा में भारत के नए राजदूत और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्होंने स्थान लिया राजीव कुमार चंदर का। जबकि TS तिरुमूर्ति जो है संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क में भारत के राजदूत और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। TS तिरुमूर्ति ने जो स्थान लिया था वो सईद अकबरुद्दीन के स्थान पर इन्होंने जो नियुक्ति इनको नियुक्ति दी गई है। अगले नाम की ओर दोस्तों हम बात करेंगे सत्यपाल मलिक। इनको मेघालय के नया राज्यपाल दोस्तों
नियुक्त किया गया है और इन्होंने जो स्थान लिया है सत्यपाल मलिक जी ने वो लिया है तथागत राय का। आपको बता दें दोस्तों कि अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक जो है भारतीय संविधान का वह राज्यपाल से संबंधित है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आया दोस्तों आगे, ग्रेटा थनबर्ग। एक बहुत ही कम उम्र की स्वीडन की पर्यावरणविद है। ग्रेटा थनबर्ग काफ़ी चर्चा में 2019 में भी रही थी, 2020 में भी एक चर्चा का विषय है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। 2019 में जो ये चर्चा का विषय बनी थी है, उसका कारण था टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 इनको चुना गया था। इनका एक विचार जिसके कारण इनको जो है विश्व प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, वह विचार क्या है वो भी आप देख लीजिए। मानवता जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट का सामना कर रही है, ये विचार है ग्रेटा थनबर्ग का। और अभी 2020 में इनको मानवता के लिए प्रथम गुलबेनकिन पुरस्कार के लिए चुना गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जो हम नाम की बात करेंगे, के वेणु गोपाल। के वेणु गोपाल को एक बार फिर से भारत का महान न्यायवादी नियुक्त किया गया है और इनका जो अगला कार्यकाल है वो 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2020 तक का है। शशांक मनोहर को ICC के अध्यक्ष पद से, जो शशांक मनोहर अभी चर्चा में थे दोस्तों, तो उसका कारण है कि शशांक मनोहर ने ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। और लास्ट में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आप इसको देख लीजिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जो चार नाम है उसमें पहला नाम रोहित शर्मा का है, जैसा आप लोग जानते हैं कि रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये चौथे क्रिकेटर हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, धोनी और विराट कोहली को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद अगला नाम है एस थंगावेलु। एस थंगावेलु पैरालंपियंस हैं। मोनिका बत्रा टेनिस खिलाड़ी यानी टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, जबकि विनेश फोगाट पहलवान हैं। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। आपको बता दें दोस्तों कि यदि आप लोग अपनी तैयारी जीके पार्ट की तैयारी और भी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।